करता हूँ कि मुझे जहाँ तक आइडिया है अपने सर्विस में साल में इनको शायद एक महीने या दो महीने की छुट्टी मिलती है, और अगर ये 30 साल सर्विस करते हैं तो सिर्फ 60 महीने जो कि 5 साल होता है, या अपने फैमिली के साथ अपने 25 से 30 साल के जीवन में सिर्फ 5 साल होगी, साल के 2 महीने बिताते हैं, और ये -40 डिग्री टेम्परेचर आप सियाचिन ग्लेशियर बोलिए या जहाँ -40 डिग्री से लेके 50 डिग्री के टेम्परेचर राजस्थान के तपती रेत के ऊपर ये लोग सर्विस करते हैं, ये अपना फेस्टिवल भी जो है अपने फैमिली के साथ नहीं मना पाते हैं, चाहे वो दिवाली हो होली हो, क्योंकि अपनी माँ के बाद ये भारत माँ की सेवा में ऐसा लीन हो जाते हैं, न ये किसी से कंप्लेन करते हैं, न कोई इनके गिला शिकवा है, लेकिन अगर हम सारे सिविलियन, हम सारे दिव्यांग अगर इनको नहीं सैल्यूट करेंगे, इनको अगर इज्जत रेस्पेक्ट नहीं देंगे, तो ये जीवन हम लोगों का व्यर्थ है। और इसी सम्मान में इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें समाज का सबसे कमजोर वर्ग, जिस वर्ग को मैं भी रिप्रेजेंट करता हूँ, एक दिव्यांग जो अपने जीवन से लेकर अपने मृत्यु तक वही स्ट्रगल को फेस करता है, शायद ये आदमी जीवन भर खड़ा नहीं हो सकता है, किसी का एक पैर नहीं है, वो मरते दम तक जो स्ट्रगल फील करता है 2400 घंटे करता है, वो एक जवान के जीवन में भी आता है। पर हमारी भारत माता, शायद हमारी रियल माता अलग है, पर हमारी भारत माता ने हम लोगों को जोड़ के रखा हुआ है, और हम सारे दिव्यांग कम्युनिटी की तरफ से, सारे पूरे देशवासी, हम सिर्फ दिव्यांग नहीं बोलेंगे, हमारे 140 करोड़ के जो देशवासी हैं उन सब के बिहाफ में मैं आप सारे लोगों को रिस्पेक्ट देना चाहता हूं, और उस रिस्पेक्ट देने का एक छोटा सा ये प्रयास है हमारा कि हम आप सारे लोगों के साथ, दिव्यांग लोगों के साथ एक छोटी यात्रा कर रहे हैं, और आप इसको एक टोकन ऑफ यू नो रिस्पेक्ट समझ के इसको आप लोग एक्सेप्ट करें, और इस आयोजन को सफल बनाने में, चूंकि ये बहुत बड़ा आयोजन है, भारतीय सेना, वायुसेना, एनएसजी के साथ साथ हम लोगों को सिडबी, डीएल, यूनियन बैंक, गॉर्जियो, सी और डी2डी कुरियर ने सपोर्ट किया है, उन सबके लिए ताली हो जाए। और मैं चाहूंगा कि हम लोगों ने थोड़ा बहुत फ्लावर लेके आए हैं, हम सारे आर्मी के लोगों के ऊपर देना करना चाहते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो फूल रखा हुआ लेके आए उसको हम लोग यहाँ पे सबके ऊपर करने के बाद यहाँ से तिरंगा यात्रा स्टार्ट करेंगे। Thank you.
देखिए भारत अपने आज़ादी के 76th ईयर में इंटर हुआ है, अमृतकाल इसको बोलते हैं। समाज का जो सबसे कमज़ोर वर्ग है दिव्यांग, और समाज का जो सबसे मजबूत वर्ग है हमारी सेना, NSG, एयरफोर्स, मुंबई पुलिस, ये सारे लोग देश का 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एक साथ आए। समाज का जो सबसे कमज़ोर वर्ग है कहीं ना कहीं अपने जीवन से लेकर अपने अंत तक उसी तरीके की कठिनाइयों को फेस करता है जैसे हमारे सेना के जवान -40 डिग्री टेम्परेचर जो कि सियाचिन ग्लेशियर से लेके 50 डिग्री के टेम्परेचर तक काम करती है। और हम लोग एक ट्रिब्यूट देना चाहते थे, एक सम्मान देना चाहते थे हमारे सारे सेनाओं को, इसलिए इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया जो कि 2 किलोमीटर का था, जिसमें NSG, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, मुंबई पुलिस, CISF इसके लोग सम्मिलित हुए। और मैं सारे दिव्यांग, सारे सेना के लोग, उनके अधिकारी ऑफिसर सबका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके सहयोग से इसका सफल आयोजन हुआ। और इस कोई भी कार्यक्रम को करने में कहीं ना कहीं सपोर्ट की जरूरत लगती है, तो इसमें हम लोगों को सिडबी, यूनियन बैंक, गॉर्जियो प्रोफेशनल, CE D2D कुरियर, इन लोगों ने सपोर्ट किया जिस कारण से इसका सफल आयोजन हुआ। सर, इसके अलावा इंडियन आर्मी का जिस तरह का कंट्रीब्यूशन हमारे देश में, क्या कहना चाहेंगे सर उस बारे में? देखिए, चाहे वो 65 की वॉर हो, 71 की वॉर हो, 26/11 हो, कारगिल की जंग हो, अगर भारतीय सेना नहीं होती, अगर NSG नहीं होता, तो सोचिए 26/11 को और क्या हो सकता था। हर सेना अपने ताकत के अनुसार काम करती है, बट जिस तरीके से बॉर्डर से लेके समंदर के अंदर से लेके बर्फ़ के अंदर, पानी के अंदर, हर जगह हमारी सेना जो है जिस तरीके का पराक्रम दिखाती है, जिस तरीके की अपनी शौर्य दिखाती है, उनको हम सारे सिविलियन 140 करोड़ लोगों के साथ ट्रिब्यूट देने का एक प्रयास था। और इसका मकसद यही है कि सेना का मनोबल हमेशा ऊंचा रहना चाहिए, सेना जिस तरीके से काम करती है उसका मोराल बूस्ट करना हम सारे सिविलियन और नागरिक का काम है। और इसी के तहत हम लोगों ने आज 14 अगस्त को आज़ादी के अमृतकाल के दिन सेना और जितने तरीके के फोर्सेज हैं उनको रेस्पेक्ट देने के लिए हम लोगों ने ये तिरंगा यात्रा किया। 76 साल हो गए, आगे आने वाले समय में क्या चेंजेस देखना चाहते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि आर्मी को जिस तरीके से मॉडर्नाइज़ किया जा रहा है, जिस तरीके से उनको अच्छे अच्छे इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं, उनके लिए सरकार जो चीज़ कर रही है, खैर वो सरकार की बात है, बट मैं यही चाहता हूँ कि हमारी सेना जहाँ भी रहे वो हमेशा नंबर वन रहे और उन सारे लोगों का मोराल बूस्ट हमारे जैसे सिविलियन मिलकर करते रहे। जय हिंद।